हेलो बार दोस्तों, स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस लेसन 7 पार्ट 2। आज का टॉपिक है मी एंड माय सिस्टर। ये पोयम है मी एंड माय सिस्टर, मेरी और मेरी बहन की बातें। तो इस पोयम को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। स्मॉल गर्ल चक्कू, सी कैन नॉट हियर, सी इज deaf by birth. Her elder brother is Nandu. Nandu and Chakku play together. Chakku plays the piano very well. She likes to feel the deep rhythmic chords, but she will never be able to sing. She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. Now my sister has started going to my school, although. इस पोयम में छोटी बच्ची है चक्कू, वो छोटी लड़की, वो सुन नहीं सकती है, deaf by birth, वो जन्म से ही बहरी है। उसका बड़ा भाई क्या का नाम क्या है, नंदू है। नंदू और चक्कू एक साथ खेलते हैं। चक्कू पियानो बहुत अच्छा बजाती है, वह घरे रंबल कार्ड्स से महसूस करना पसंद करती है, लेकिन वह कभी नहीं गा पाएगी, वह धुन नहीं सुन सकती। वह छलांग लगाना, लुटकाना, बंदर की तरह लुटकाना, सिर्फ पर चढ़ जाना पसंद करती है। अब मेरी बहन ने मेरे स्कूल जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड्स सी सेज लाइक सिस्टर और वॉटर और थम। आई वोर माई sunglasses yesterday. The frames were very large. The lens are very black. My sister made me take them off when I spoke. What do my brown eyes say to her brown eyes? हमारी माँ अभी भी घर पर उसके होंठ पढ़ने में मदद करती है। शिक्षक और बच्चे उसके हर शब्द को नहीं समझते, जैसे अंगूठा या पानी। पानी पीने के लिए अंगूठे का इशारा करते हैं तो समझ जाते हैं कि उसे पानी पीना है। इस तरह से यहाँ पे बोला गया है। कल मैंने जैसे सनग्लासेस, हाँ, धूप के चश्मा पहना था, उसके ग्लास यानी लेंस से वो ब्लैक है। मेरी बहन के मुझे बोलने पर उन्हें उतार दिया। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों को क्या कहती है। जो लोग सुन नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, वो अपने हाथों के इशारों से या तो अपने आंखों के इशारों से हमें कुछ कहना चाहते हैं, और वो हम अपनी सूझबूझ से वो समझ सकते हैं। आपको ये पोयम रीड करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 48 और 49 वो सब समझाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये पोयम आपको रीड करनी है और याद रखनी है।